press the bell icon for all the updates. A lot. Imagine कितनी सारी कहानियाँ बुनी हमने, कितनी सारी अलग अलग प्रकार की एक्टिंग की है, अलग अलग तरह के ट्रैक्स दिखाए हैं. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड येट इमोशनल, क्योंकि 1500 एपिसोड्स पूरा कर लेना आसान काम नहीं था. बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, हमेशा वही TRP का चक्कर, नंबर कितने आ रहे हैं. और हम एक्टर्स, इस पूरे टीम के, ये है मोहब्बते की टीम के एक्टर्स, हमने बस ये कोशिश की है कि इररिस्पेक्टिव कैसी भी TRP आए, कहीं कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हो, कितनी भी विषमताएं हो, हम हमारा बेस्ट दें और आप सबको एंटरटेन करते रहें. और इसका रिजल्ट है आज कि बहुत सारा प्यार हम पर बरसा है इन चिट्ठियों के रूप में. जैसे कई सारी चिट्ठियाँ आई हैं. सुप्रिया ने तमिलनाडु से एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने हमारी पूरी टीम को 1500 एपिसोड्स कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि सारे एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें दिव्रू दिव्यांका रूवी बहुत पसंद है. और बस उन्हें मेरे सारे सीन्स पसंद आते हैं. सो ये चिट्ठी है सुप्रिया की तमिलनाडु से. फिर एक चिट्ठी आई है तैयबा खान सऊदी अरेबिया से. इन्होंने लिखा है कंग्रेचुलेशंस दिव्यांका 1500 एपिसोड्स के लिए. रोमांस, एंटरटेनमेंट, जॉय, फन से भरा रहा है हमारा ये सफ़र और उन्हें पूरी कास्ट बहुत अच्छी लगती है. कॉमेडी उनको बहुत अच्छी लगती है. भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग कॉमेडी सीन्स करते हैं, स्पेशली इजिता रमन, बहुत मज़ा आता है एज एक्टर्स. और हमने रोमांस की डेफिनेशन बताई है, ये है मोहब्बते में. रियली हम लोग तो लड़ते ही रहते थे ना इजिता रमन, बट हाँ कहीं कहीं उन लड़ाई के बीच में थोड़े बहुत रोमांटिक मोमेंट्स भी होते थे. सो यस, यू आर राइट. और फिर हमारे पैर को सराहा भी बहुत किया है, खूब सारे हमें अवार्ड्स मिले. सो वी आर थैंकफुल टू यू ऑल फॉर लाइकिंग दिस सो मच. अगली चिट्ठी है आलिया मिर्ज़ा की हैदराबाद से. आलिया लिखती हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है. उन्हें मुझे ऑन स्क्रीन देखने में बहुत अच्छा लगता है. मुझे उन्होंने कहा है कि मैं वो मुझ जैसी बनना चाहती हैं आगे चल के. यू आर अ वुमन विद गुड हार्ट, सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग. यस आई एम, एंड आई इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मी फॉर रीचिंग 7.6 million ऑन इंस्टाग्राम. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. आप लोग इतना. एक ही चिट्ठी आई है यश पवाटे की तरफ से फ्रॉम US. यश ने लिखा है दिव्स, ओ माय, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं तुम्हारे बारे में बात करता ही रह सकता हूँ. आई हैव बीन योर फैन सिंस 2006. मेरा जो पिछला सीरियल था वो इन्होंने देखा है और मुझसे इनकी नज़रें नहीं हटती. बस पगले, शर्म आ गई मुझे तो. Yes, I have grown so much in all ways possible. 7.6 million followers के लिए congratulate किया है और कहा है कि आने वाले साल में 100% जल्दी ही 8 million हो जाएंगे. Thank you. शायद. और 1500 glorious episodes complete करने के लिए उन्होंने congratulate किया है. So thank you so much यश, thanks a lot. आई होप मैं आपको इसी तरह से एंटरटेन करती रहूं और आपको हमारा शो ऐसे ही पसंद आता रहे. अगली चिट्ठी है रिया भारतीय की तरफ से एंड प्रियंका भारतीय की तरफ से. बड़ा कमाल का सरनेम है आप लोगों का, बड़ा पेट्रियोटिक सा है. रिया ने लिखा है कि वो मैं बहुत बड़ी फ़ैन है हमारी, कॉन्ग्रेचुलेट किया है 7.6 million फॉलोअर्स के लिए इंस्टाग्राम पर. और आउटस्टैंडिंग एपिसोड्स लगते हैं उनको ये है मोहब्बत के, उनको बहुत अच्छा लगता है शो. उन्हें KP और अच्छा उन्हें मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी अच्छी लगती है जो KP के साथ है.
और ऑफ स्क्रीन जोड़ी जो वीडी के साथ है, मतलब करण पटेल और विवेक दहिया के साथ जो मेरी जोड़ी है उन्हें बहुत पसंद है, और उन्हें मेरी मिलियन डॉलर स्माइल पसंद है। टिंग। इनके हिसाब से मैं परफेक्ट वुमन हूँ, और बहुत बहुत सारा पूरी टीम को इन्होंने प्यार दिया है। तो थैंक यू सो मच रिया और प्रियंका, आपका प्यार हम पूरे शो के जितने भी एक्टर्स हैं, ये है मोहब्बत है कि जितने भी एक्टर्स हैं सब तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगा ये नागिन क्यों कर रहा है मैंने कैसे नागिन सारी हो गई ना। सो आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 1500 एपिसोड्स हमारे कैसे निकले हैं पता तो चला क्योंकि आप लोगों को मैं एक खास बात बताती हूँ हमारे शो की। हमारा शो ऐसा नहीं है कि बड़ा ही इजी रहा है करने में, क्योंकि हमारे 3 बार लॉन्च हुए हैं। अब आप पूछेंगे एक ही शो 3 बार कैसे लॉन्च हो सकता है। आप सोचिए, पहले हमारा शो आता था रात के 11 बजे जब सब लोग सर्दियों में सोने जा रहे होते थे कंबल रजाइयाँ ओढ़ के, तब हमारा शो लॉन्च हुआ था। हमें लगा था बाप रे, मतलब ये एक बहुत बड़ी फाइट थी खुद के साथ और पूरी दुनिया के साथ कि लोग हमारा शो देखें। तो हमें उस लेवल का परफॉर्मेंस, उस लेवल का शो देना था, पर लोगों को अच्छा लग गया और बहुत अच्छा लगा, और रातों ही रात हम लोग वर्ल्ड वाइड पसंद किए जाने लगे। फिर हमारा स्लॉट फिर से चेंज हुआ और हमें 7:30 पर लाया गया। अच्छा भी था एक तरह से कि हम लोग जल्दी वाले टाइम पे आ रहे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, परंतु जब एक ऑलरेडी रनिंग शो एक नए स्लॉट पे आता है तो ये एक चैलेंज होता है, क्योंकि शायद लोग बीच रास्ते आपको न ज्वाइन करें। लेकिन लोगों ने किया, शो और भी ज़्यादा फेमस हुआ और भी ज़्यादा सराहा गया। फिर हमारा शो दोबारा शिफ्ट किया गया रात के 10:30 बजे। तो हम लोग फिर से ऐसे हुए कि ओ माय गॉड, मतलब ये तीसरा लॉन्च है हमारे लिए। बट वी डिड रियली वेल। ये है मोहब्बतें की जो टीम है उसने अपना वो जज्बा नहीं छोड़ा। आमतौर पे लोग सुस्त पड़ जाते हैं, पस्त हो जाते हैं कि नहीं भाई बड़ी कहानियाँ बना ली हैं अब हमने, अब और नहीं होता। लेकिन मोहब्बतें की टीम, इंक्लूडिंग क्रिएटिव्स, आर्टिस्ट, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सब ने कहा कि भाई ठीक है 10:30 बजे आएगा ना, यहाँ पर भी हम कमाल करके दिखाएंगे। एंड थैंकफुली आजकल जो स्टोरी लाइन आ रही है, जो ट्रैक्स हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग हैं दैट एज एक्टर्स वी एन्जॉय, एंड सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो दोबारा जैसे कि रिफ्रेश मूड पर आ गए हैं। सो एंड दिस हैपन्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आप लोग जो प्यार देते हैं, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी जो आपकी टिप्पणियाँ होती हैं, आप लोग का जो छोटा क्रिटिसिज्म होता है, हम वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए मेरे रूप भी कई बार बदलते हुए आप लोगों को नज़र आते हैं, कभी सूट पे होती हूँ, कभी साड़ियों में होती हूँ। इट्स ऑल फॉर यू। अब अगले पड़ाव पर आते हैं। कुछ खास लोग यहाँ हमसे मिलने आए हैं जिन्हें लोग फैंस कहते हैं, और मैं कहती हूँ कि ये हमारे मोहब्बते के आर्डेंट फॉलोअर्स हैं। तो कैन आई हैव यू हियर प्लीज। एडोरेबल बेबीज, यहाँ पे दो छोटी छोटी रुई पी हुए हैं। थैंक यू सो मच। हाय हाय, हेलो। तो एक्चुअली ना आई थिंक मैं थोड़ा मासी मोड में आ जाती हूँ, बिकॉज मेरी भी भांजियाँ हैं ऐसे ही हैं, बहुत ही क्यूट अडोरेबल सी। तो रोज मेरे पास उनके वीडियोज आते रहते हैं एंड आई लव वॉचिंग देम। फिर मेरे पास मेरी पीहू है छोटी सी। पीहू को देखते हो? पीहू को देखते हो? कैसी लगती है? क्यूट ना, शी इज जस्ट एज क्यूट एज यू आर। पीहू भी बहुत क्यूट है एंड रूही तो अब बड़ी हो गई है, रूही भी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। सो ये शो शुरू होने से पहले तक आई वॉज ओके विद किड्स, लेकिन जब पीहू मेरी जिंदगी में आई,
इतनी प्यारी बच्ची, मतलब किसी को भी उससे प्यार हो जाए। तो मैं बड़ी चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रेंडली हो गई, और फिर मैं क्योंकि बच्चों की डेंटिस्ट थी, तुमको पता है मैं बच्चों की डेंटिस्ट हूँ, पता है तुमको, बच्चों के दांत ठीक करती हूँ मैं, तुमको पता है? नहीं पता है? हाँ तुमको पता है, तुमको पता है? तो मैं बच्चों के ना दांत ठीक कर दे रही हूँ। तुम्हारे दांत कैसे दिखाओ? फुल आ, वेरी नाइस टीथ, एक छोटी कैविटी, एक चॉकलेट खाते हो ना? और तुम आ, इसको तो सिल्वर भी लगा हुआ है, ये तो बहुत बहुत चॉकलेट्स खाती है। सो बीइंग अ चाइल्ड डेंटिस्ट, मेरा मुझे ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि मेरे बच्चों से इंट्रैक्शन बहुत होता है, एंड आई थरली एंजॉय इट। बच्चों से ज़्यादा प्यारी चीज़ दुनिया में क्या हो सकती है, राइट? राइट, देखो अपने आपको प्यारी बोल रही है ना। आप बताइए कहाँ से हो आप दोनों? कांदिवली। ओके, मुंबई के ही हो? या मुंबई के। यू लाइक दिस शो? एवरी डे, एवरी सिंगल डे वी वॉच द शो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, यू आर इंस्पायर्ड बाई एवरीबडी, एंड आई वुड लव टू सी यू इन द मूवीज वेरी सून। कुछ भी हो वो टाइम पे टीवी के सामने बैठना ही है बस। सब काम और सब खत्म करके टीवी एंड सेट। इसे कहते हैं जिंदगी में सब कुछ जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। हमें अब तक जितने स्लॉट्स मिले हमने यही कहा है कि चलो भाई अच्छा हुआ, अच्छा है, एक अलग ऑडियंस देखेगी अब हमको। एंड स्पेशली लाइक द फाइट बिटवीन यू एंड रावण कुमार मद्रासन, दैट इज अमेजिंग। थैंक यू। या एक्चुअली हम दोनों के सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बिकॉज मैं और करण हम दोनों कभी किसी भी सीन के लिए पहले प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इशिता और रमन की जो फाइट होती है आमतौर पे स्क्रिप्ट में कुछ और ही लिखा होता है, एंड वी एंड अप डूइंग इट टोटली डिफरेंटली। ही सेज समथिंग, वो ऐसा कुछ बोलता है कि मेरा जवाब ही कुछ अलग आता है, फिर वो कुछ अलग सा बोलता है, फिर मेरा जवाब अलग आता है, तो होते 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 सीन की दिशा अलग हो चुकी होती है, और वो सीन काफी अमेजिंग सुंदर सा हो चुका होता है, इंटरेस्टिंग हो चुका होता है। बिफोर सम टाइम द सीन इन लंदन, द गोस्ट सीन्स ऑफ दैट, that was also good. You liked too it. Good, yeah. Every episode, that ghost wala scene you have done, everything, it was very nice, very nice. Thank you so much. And Budapest scenes are also excellent. Budapest, haan. Yeah. वो शहर बहुत प्यारा है। Yeah. आपके clothes वो सब बहुत उसमें बहुत अच्छा लगता है। You are looking so very pretty in all that. Thank you so much. It's been क्योंकि अभी fans यहाँ पर हैं, crazy fans, क्योंकि भीड़ मोहब्बत की बहुत सारे fans हैं। लेकिन कोई ऐसा crazy fan आपको मिला है, मतलब और वो मेरे पास आ गया अगले दिन किसी और ही जगह से, एक्चुअली उड़ीसा से। वहाँ से वो आया है बंदा ट्रेन में बैठ के, और उसने कहा कि नहीं आप एंगेजमेंट आप उससे नहीं कर सकते, मैं आपके लिए एंगेजमेंट रिंग लाऊँ। मैंने कहा मेरी हो गई है। पर वो मेरे को देख कर गया उसके बाद भी, एंगेजमेंट रिंग नहीं मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, रखा उसने और चला गया। आई वॉज लाइक ये क्या है, ये कैसा प्यार है? पर हाँ, ऐसे बहुत प्रकार के प्यार देखने को मिलते हैं। कई बार लोग प्यार दिखाते हैं और हम रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते उतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यहाँ अपने काम में व्यस्त होते हैं, और जाहिर सी बात है एंगेजमेंट और शादी तो एक ही बार होती है, तो वो वाले प्यार के लिए भी रेसिप्रोकेशन नहीं हो सकता। बट इन सब में बस यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो ठीक ही कर रहे हैं अपने काम में। हमारा शो, हमारी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, तभी लोग अलग अलग तरह से हमारे हम तक पहुँचना चाहते हैं और अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। और कुछ अच्छा लगा आपको हमारे शो में? Yeah, many things. Exactly. I mean, each and every role of your, that Shanno role. Yeah, I enjoyed it so much. That was also very nice. So, वो मेरे लिए बहुत बड़ा challenge था, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हरियाणवी हैं. Okay. तो the speech which you were saying, that was amazing. Thank you. तो हरियाणवी में बात करना, मुझे तो हरियाणवी में आता ही नहीं था कुछ बोलना, और फिर मेरे दादा ससुर जी, दादी ससुर जी भी देख, दादी सास भी देख रहे थे। तो
इट वॉज अ बिग चैलेंज कि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूँ, नहीं तो मेरे हरियाणवी रिलेटिव्स क्या बोलेंगे. सो आई रियली वर्क हार्ड ऑन इट. या इट वाज सीन ऑन द सेट्स. एनीथिंग एल्स दैट यू नीड टू आस्क? मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ कीप वॉचिंग ये है मोहब्बतें. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो. बहुत ही कमाल के ट्रैक्स आते रहते हैं हमारे यहाँ और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. क्या कहूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि 10:30 के स्लॉट पे अब आ रहा है. मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग वक्त अलग से निकालें. अब जो आप लोग पहले 7:30 देखने अब देखना पसंद करते थे, अब आप लोग वही शो 10:30 देख सकते हैं. सो प्लीज़ स्विच ऑन योर टेलीविजन सेट्स एंड डोंट गिव अप ऑन अस बिकॉज वी आर वर्किंग सो हार्ड. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ही को एंटरटेन करने के लिए. सो हमारे साथ रहिए, पसंद कीजिए और नहीं पसंद आता है तो हमें बताइए कि क्या बदलाव लाएं. पर हम यहाँ आपके लिए हैं. कीप वॉचिंग योर मोहब्बत ऑन स्टार प्लस एट 10:30 PM. वेलकम. Thank you.